आरोग्य जागृति। गाडे सर त्याचबरोबर वुमन स्पीडच्या आयएमएच्या अध्यक्षा डॉक्टर मुला दहीफळे आणि मेट्रो फिनिक्सचे चेअरमन चोले सर गणेशजी चोले डायरेक्टर आणि चेअरमन या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आणि आजपासून या कोविडच्या सेंटरची सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे सर्वांनी याचा लाभ घेऊन सायंटिफिकरित्या त्याची सगळ्या टेस्ट करून घेऊन अँटीजेन टेस्ट आहे प्रॉपर सिलेक्शन क्रायटेरिया देऊन त्यांना अतिशय चांगल्या प्रकारे ट्रीटमेंट या ठिकाणी दिल्या जातील। आणि अशा प्रकारे आपल्या पूर्ण मराठवाडा असो किंवा इतरत्र भाग असो या सर्वांनी या सुविधेचा या ठिकाणी नक्कीच लाभ घ्यावा आणि आपण सर्वांनी मिळून कशा पद्धतीने या कोरोनावर मात करता येईल। आणि हे फक्त एकट्याचं काम नसून प्रत्येक जण त्या ठिकाणी लढणारा आहे, डॉक्टर आहे, त्याची टीम आहे, इवन आज घरातला प्रत्येक मेंबर त्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग मास्क सॅनिटायझर किंवा त्याच्या पलीकडे सांगेल गार्गल्स आणि स्टीम घेणं ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत। ते लक्षात घेता सेंटर आज सुरू झालेलं आहे आणि या ठिकाणी जे मान्यवर आहेत त्यांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद देऊन त्यांचं स्वागत देऊ। आज या ठिकाणी दहीफळे आणि मेट्रो फिनिक्स या कोविड सेंटरचं उद्घाटन करण्याचा जो बहुमान मला या ठिकाणी देण्यात आला त्याबद्दल मी सर्वांचा अत्यंत आभारी आहे। आणि मी विशेष हे सांगू इच्छितो की कोविड-19 ह्या वैश्विक महामारीमुळे सर्व जग त्रस्त असताना आज औरंगाबाद शहरामध्ये इतकी भयावह परिस्थिती आहे की लोकांना बेड मिळत नाही, लोक घरात परेशान आहेत, रस्त्यावर फिरत आहेत, दरवाजात जाऊन दवाखान्यासमोर लोक लाईन लावून उभं राहत आहेत। अशा वेळी या शहराला वस्त्रदान, अन्नदान, द्रव्यदान, पैसे या कशाची गरज नाही आहे, या शहराला गरज होती अशा एका अद्ययावत कोविड सेंटरची। आणि हा निर्णय दहीफळे मॅडम आणि त्यांचे सहकारी श्री ठोले यांनी घेतला, त्याबद्दल मी त्यांचं विशेष अभिनंदन करतो। दहीफळे मॅडमबद्दल मला बोलताना अत्यंत आनंद वाटतो की मॅडमना मी गेलं एक वर्ष IMA उपाध्यक्ष म्हणून पाहतो आहे, त्यापूर्वी IMA त्या जॉईंट सेक्रेटरी होत्या, एक आघाडीच्या निष्णात त्यांच्या क्षेत्रातील महिला प्लास्टिक सर्जन म्हणून त्या अत्यंत फेमस आहेत, पण त्याबरोबर त्या एक अत्यंत कुशल अशा संघटक, सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याची त्यांची हातोटी, त्यांचा आत्मविश्वास, त्यांची निर्णयक्षमता आणि यामुळंच त्या फक्त औरंगाबाद या स्टेजवर न राहता पूर्ण मराठवाड्याच्या भटक्या आणि मुक्त समाजाच्या अध्यक्ष बनलेल्या आहेत। मॅडम, हा एक तुमच्या मुकुटामध्ये अजून एक पीस किंवा एक तुरा या कोविड सेंटरमुळे लागणार आहे आणि मला खात्री आहे की ज्यांना ज्यांना आवश्यकता पडेल अशा लोकांना इवन मध्यरात्रीसुद्धा सेवा देण्यासाठी तुम्ही तत्पर असाल। आम्ही मॅडमकडं एक सक्षम महिला आघाडीच्या नेत्या म्हणून पाहतो आणि भविष्यात त्यांच्यासोबत काम करण्यासाठी खूप मोठी फळी तयार आहे कार्यकर्त्यांची, त्यांच्या घरातून त्यांना राजकीय वारसा आहे, पण आम्हीसुद्धा त्यांचे सहकारी म्हणून जेव्हा आवश्यकता पडेल आमचं सहकार्य त्यांना मिळेल। विश यू ऑल द बेस्ट मॅडम अँड वी आर ऑल विथ यू, कॉंग्रॅच्युलेशन्स। नमस्कार, सर्वप्रथम मी IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर रंजळकर सर, IMA सेक्रेटरी डॉक्टर गाडे सर यांनी इथं त्यांचा वेळात वेळ काढून कोविड सेंटरसाठी जो उद्घाटन प्रसंगी इथं आलेले आहेत त्यांचे आभार मानते। त्याचबरोबर आज औरंगाबाद शहरामध्ये ही जी जागतिक वैश्विक महामारी जे चालू आहे तर त्याच्यासाठी मला एक असं वाटलं की आपण ॲज अ डॉक्टर म्हणून आपल्या फील्डमध्ये काहीतरी करायला पाहिजे आणि समाजासाठी आपण एक मदत केली पाहिजे। त्या अनुषंगाने माझ्यासोबत मेट्रो फिनिक्सचे डायरेक्टर गणेश चोले सर आणि मी आमच्या दोघांच्या ह्याच्यातून आम्ही हे संयुक्त विद्यमाने दहीफळे आणि मेट्रो फिनिक्स कोविड सेंटर चालू केलेलं आहे। या सेंटरमध्ये सर्व अद्ययावत सुविधा उपलब्ध आहेत आणि आमचा एकच माणूस आहे की सायंटिफिक वेने आम्ही जे
समाजातले कोविड पेशंट्स आहेत आणि जे खरंच ग्रासलेले आहेत त्यांना आम्ही मदत करू इच्छितो आणि त्या अनुषंगाने आम्ही हे सेंटर उभं केलेलं आहे आणि 24/7 हे सेंटर चालू आहे. इथं अद्ययावत सगळे फिजिशियन्स आहेत, इंटेन्सिव्हिस्ट आहेत, राऊंड द क्लॉक सेवा दिली जाईल आणि कुठेही पेशंटला त्रास होणार नाही ह्याची आम्ही काळजी घेऊ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर्वप्रथम गाडे सर, रंजलकर सर यांचं वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिल्याबद्दल आभार व्यक्त करतो. दैपळे फाउंडेशनच्या अध्यक्षा दैपळे मॅडम, डॉक्टर दैपळे सर, हे मेट्रो फिनिक्सच्या माध्यमातून आम्ही एक दर्जेदार मराठवाड्यातील रुग्णांना दर्जेदार सेवा देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कोविड रुग्णालयामध्ये एक 40 बेडचं ICU सेंटर चालू करून प्रशासनाला मदत करण्याचे, प्रशासनासोबत चालण्याचे आणि जनमानसामध्ये त्यांची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला अनुसरून ते जे काम करत आहेत दैफळे मॅडम, IMA सेक्रेटरी या नात्याने मी त्यांचे अभिनंदन करतो आणि मेट्रो फिनिक्स आणि दैफळे हॉस्पिटल पूर्ण गव्हर्नमेंटच्या गाईडलाईनप्रमाणे काम करणार याची मला खात्री आहे आणि या ठिकाणी अतिशय माफक दरामध्ये गरीब पेशंटला उपचार दिले जातील कोविडचे. आणि मी हे हॉस्पिटल बघितलेलं आहे, या हॉस्पिटलमध्ये सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध आहेत, व्हेंटिलेटर, ICU सुविधा, ऑक्सिजनचे बेड्स. आणि आज जी बेडची संख्या कमी आहे औरंगाबादमध्ये पेशंटला, ते या ठिकाणी मॅडमनी जे प्रयत्न केलेले आहेत आणि विजय सरांनी त्या अनुषंगाने कौतुकास्पद आहे. IMA तर्फे परत त्यांचे अभिनंदन, धन्यवाद. दहीफळे हॉस्पिटल की ओर से जालना रोड पे दुधेरी के अपोजिट में काफ़ी सुसज्ज ऐसा 35 बेड का कोविड सेंटर यहाँ पे शुरू हो चुका है, जिसके सर्वे सर्वा है डॉक्टर विजय दहीफड़े साहब. इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये सेंटर के माध्यम से गरीब लोगों को फ़ायदा मिले, इसके लिए हम बात करेंगे. चलिए डॉक्टर विजय दहीफड़े साहब. आज यहाँ पे जो कोविड का वातावरण चल रहा है पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे भारत देश में, उसको ध्यान में रखते हुए जो सुविधा है कोविड की, जो कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और आप एक देख रहे हो सब स्तर में, ग्रामीण स्तर से लेके तुम्हारे सब शहर में जाओ या कहाँ पे भी जाओ, यहाँ पे ये सुविधा मिलने के लिए काफ़ी बेड कम हो रहे हैं. इवन राज्य की भी व्यवस्था पीछे लगी है, लेकिन फिर भी सभी हॉस्पिटल में उसमें शामिल होना चाहिए. इसलिए हमारे दहीफळे मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट और मेट्रो फिनिक्स हॉस्पिटल, इनका जो एसोसिएशन है उसके साथ हमने यहाँ पे कोविड सेंटर शुरू किया है. इसका एम एक ही रहेगा, साइंटिफिक मेथड से हर एक व्यक्ति को उसे अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी. जो पुअर है, नीडी है, उनको भी अच्छी तरह से कैसे हम हेल्प कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो बेड है, यहाँ पे जो पूरे वर्क करने वाले डॉक्टर्स है, फिजिशियंस है, इंटेंसिविस्ट है, ये सब मिलके यहाँ पे चलाने वाले हैं. यहाँ पे डॉक्टर उज्ज्वला दहीफळे जो सेक्रेटरी है, यहाँ पे हमारे दहीफळे मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट के, और यहाँ पे वुमन्स विंग ऑफ एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी है उनके सुपरविजन में, और मेट्रो फिनिक्स के जो डायरेक्टर है गणेश जी चोले, ये सब ने मिलके और उनका पूरा स्टाफ बहुत अच्छी तरह से ये सेंटर चलाने का डिसाइड किया है. और यहाँ पे सब लोगों का कोऑपरेशन यहाँ पे मिलेगा. और आज हमारे ये सेंटर के उद्घाटन के लिए IMA के प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर रंजलकर और IMA के सेक्रेटरी डॉक्टर गाड़े सर, ये भी यहाँ पे उपस्थित है. और हमारी तरफ से बहुत अच्छी तरह से सेवा जो पुअर है, नीडी है, सब क्लास के लोगों को मिलेगी, ये हम यहाँ पे हमारी पूरी कोशिश जारी रहेगी. सर, एक कोविड सेंटर का खासियत क्या रहेगा, इसमें स्पेशली एडवांस क्या है? यहाँ पे एडवांस स्पेशली जो उसको लगने वाले जो वेंटिलेटर्स है, उसको लगने वाले जो एक्सेसरीज जो लगने वाले है, रेस्पिरेटर्स है, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो तज्ञ डॉक्टर्स है, फिजिशियन है, इंटेंसिविस्ट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जितनी केयर डॉक्टर से होती है उतनी ही केयर उनके जो स्टाफ और उनके जो रिलेटिव है. जो हमारा मैसेज है SMS का, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और स्टीम और गार्गल्स, ये जो अभियान यहाँ पे हम चला रहे हैं उसके अंतर्गत हर एक व्यक्ति को, पेशेंट तो हो ही गया लेकिन उसके साथ जो रिलेटिव है
उसके भी सब एंटीजन टेस्ट करना है, उसको हेल्प करना है, उसका डाइट है और ओवरऑल उसकी पूरी हेल्थ, यानी पेशेंट तो हो गया लेकिन एक पेशेंट घर में जाएगा तो उसके चार रिलेटिव घर पे है, उन्हें भी कैसा क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए उसके लिए भी हमारी एक अलग व्यवस्था चल रही है। सर, जब कोविड हो गया है ऐसा लोगों में बहुत गैर समझ है, हाँ। इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों में डर पैदा हुआ है, हाँ। लोग ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा मसला हो रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली मैं यहाँ पे कहूँगा, इवन एंटीजन टेस्ट करने के लिए भी लोग डर रहे हैं, भाई टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आएगा तो मुझे क्वारंटाइन किया जाएगा, मुझे आइसोलेट किया जाएगा, लेकिन इसे कतई डरना नहीं है क्योंकि ये पैंडेमिक मतलब पूरे वातावरण में वायरस फैल चुका है और उसका कम या ज़्यादा प्रमाण में हर एक को इसका संक्रमण होने वाला है, लेकिन हमारी खुद की बॉडी उसे एंटीबॉडीज़ बना के प्रतिकार देने वाली है, इसलिए यानी डिप्रेशन में जाके या भयभीत होके खुद की इम्यूनिटी कम मत करो, उसके बजाय हाई प्रोटीन डाइट है उसको मेंटेन रखो, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इसका यूज़ करो, और ये लसीकरण का जो अभियान आया है उसमें भी कुछ लोग डर रहे हैं, भाई मुझे होके गया भाई बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। और एक बात बोलूँगा, वैक्सीन देने के बाद जैसे बच्चों को कुछ फीवर आता है, बॉडी खोता है, इसका मतलब वही चीज़ एडल्ट में हो रही है, मतलब आपका वैक्सीन काम कर रहा है, तो किसी भी बिना डर से आप वैक्सीनेशन आपके सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि आपका वायरल लोड कम होने से सामने वाला जो आदमी है उसको भी सेफ्टी हो जाएगी और इसी तरह से ये संक्रमण कंट्रोल में आ जाएगा। तो खुद होके सामने आके आपके टेस्ट करो, आप एडमिट हो जाओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो और लसीकरण अच्छी तरह से यूज़ करके ये कोविड हमें यहाँ से दुनिया से भगाने के लिए योगदान पक्का करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। हॉस्पिटल का ये अभियान जो शुरू किया है औरंगाबाद में, ये अभियान का इतने उद्देश्य है कि जो लोगों के अंदर डर बैठा है और इसकी वजह से कोविड का संक्रमण भी काफ़ी होते जा रहा है और उनको जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, 90% लोगों को बेसिक फीवर या बाकी कुछ सर्दी से सिम्टम आते हैं, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा फीवर है, खांसी है, कभी तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसे लोगों को स्क्रूटिनाइज करके यहाँ पे वेंटिलेटरी सपोर्ट है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रखना है, उनका डाइट है और उसके रिलेटेड फिजियोथेरेपी, लगती है चेस्ट एक्सरसाइजेस और उनका रिहेबिलिटेशन और उनके रिलेटिव उनकी जो सुविधा यहाँ पर हम की है, ये सबसे थोड़ा सा हटके है, इसकी वजह से पेशेंट, रिलेटिव और उनके साथ में जो अटेंडेंट है ये सबको दिलासा मिले, पेशेंट भी अच्छी तरह से रिकवर हो जाए। और उसी के साथ हमने दहीपड़े हॉस्पिटल में लसीकरण का अभियान भी शुरू किया है, तो ये कोविड से अच्छा होने के बाद कम से कम एक डेढ़ महीने का डिस्टेंस रखे हम उन्हें वैक्सीनेशन के लिए भी प्रमोट करने वाले हैं, और यहाँ पर उनके साथ जो रिलेटिव आएंगे उन्हें भी वैक्सीनेशन के लिए हम मोटिवेट करके, जिसकी वजह से सिर्फ अच्छा करना ही हमारा एम नहीं है लेकिन उसे आगे चल के दोबारा न हो जाए इसके लिए हम वैक्सीनेशन की भी सुविधा की है। तो जिसकी तरह हम दहीपड़े हॉस्पिटल और मेट्रो क्लिनिक पूरे महाराष्ट्र से लेके मराठवाड़ा से लेके सब लोगों को यहाँ पे सुविधा देके एक तरह से कोविड से मुक्त करके अपना पूरा अभियान चलाने वाले मिशन से। थैंक यू। आरोग्य जागृति।